छत पर चढ़ के राइफल लिया और फिर ईंटे पत्थर चला करके भाई को हमरे जब गिर गया तब उसके बाद इनका बदल का भाई सलीम वो भगौड़ी लेकर आया, गंडा काटने वाला फरसा, वो हमारे सर के ऊपर प्रहार कर दिया तो हम वहाँ पर गिर गए। यूपी के सीतापुर में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट और पत्थरबाजी का आरोप लगा है। नाजायज असलों और लाइसेंसी राइफल से गोली मारने और धमकाने का भी आरोप सामने आया है। विशेष समुदाय पर जमीन कब्जा करने का भी आरोप है। विवाद के बाद भारी मात्रा में मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है, मामले को शांत कराया है। पुलिस पर भी विशेष समुदाय के लोगों का साथ देने का गंभीर आरोप सामने आ रहा है। यह पूरा सनसनीखेज मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके का है। से घोड़ा पड़ रहा था, उसी पर हमारा काबिज घोड़े पर जब ढीलने गए थे तो वहाँ मेरा भाई मेरा लड़का लेके करके गया, तब उन्होंने लोग मारने लगे उनको। बाद में वो जो बत्तल थे वो छत पर चढ़ के राइफल लिया और फिर ईंटे पत्थर चला करके भाई को हमरे जब गिर गया तब सलीम ले करके भगौड़ी घीच पे उसको खपड़ी पर घीच पे चलाया, वो खपड़ी पर लगी थी। इस विवाद में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको इमलिया सुल्तानपुर के लोकल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने शिकायती पत्र ले लिया है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई विशेष समुदाय के लोगों पर नहीं हुई है, ऐसा आरोप पुलिस पर सामने आ रहा है। राइफल और नाजायज सलहे छत पर भी थे, ईटा पत्थर चला रहे थे और जोर आकर के सलीम ने हमारी कपड़ी के ऊपर फरसा मारा है। आपने पुलिस को तहरीर दी? हाँ, पुलिस को तहरीर सुनाया गया, लेकिन हमारी अच्छी तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ बातों से हमें भरमाया जा रहा है, बातों से संतुष्टि हमें दी जा रही है, लेकिन जो पक्ष जख्मी हुआ है उसका यह कहना है कि काफी समय से जमीन उनके हिस्से में थी, वो उस पे बराबर कूड़ा और घूरा डाल रहे थे, लेकिन आज जब उन लोगों ने उस पर कूड़ा और घूरा डालने की कोशिश की तो विशेष समुदाय के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। इतना ही नहीं, लाइसेंसी असलहे से और नाजायज असलहों से धमकाने की कोशिश भी की गई, पत्थरबाजी की गई, जिसकी वजह से वो लोग जख्मी हुए हैं। अब पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। पुलिस पर भी आरोप सामने आ रहा है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से उनको जान का खतरा बना हुआ है। अगर आरोप पीड़ित पक्ष के सही हैं, तो मामला वाकई में बेहद गंभीर है। पुलिस को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करके जेल भेजने की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि माहौल आगे न बिगड़े। इमलिया सुल्तानपुर से श्याम शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़।